10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में कि आप लोग मेरे को बोलोगे कि अभिरूप भाई क्या ही बता दिया यार, मैं तो लिटरली हर एक मैच ही जीत रहा हूँ इसके बाद। और गाइस देखो क्या होता है ना, अगर आप लोग लगातार मैच हारते हो तो गाइस आप लोग सोचते हो भाई मैं गेम मतलब नहीं खेलूंगा या लगातार मैं मैच हार रहा हूँ, बट गाइस देखो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्लैश ऑफ ड्रैगन में मतलब लगातार सब मैच ही जीतोगे और आप लोग सोचोगे भाई सब मैच ही तो मैं जीत रहा हूँ, एक या फिर दो मैच मैं हार ही जाता हूँ, तो गाइस देखो मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। तो गाइस देखो जस्ट किडिंग गाइस, देखो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा सीएस रैंक के लिए, जो गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो लिटरली गाइस हर एक मैच आप लोग जीतोगे। और गाइस देखो ना ही सिर्फ आप लोग मैच जीतोगे, आपका जो केडी है मतलब सीएस रैंक का जो केडी है वो भी गाइस आपका 3+ रहेगा। अब गाइस देखो अगर आप लोग नॉर्मली ऐसे मैच जीतते हो, केडी अगर आप लोग का कम रहता है तो गाइस आपका प्रोफाइल दिखने में एकदम फालतू लगता है। कोई बंदा अगर आपके मतलब प्रोफाइल में इंस्पेक्ट किया तो देखा भाई आपका 1 का केडी है तो क्या गंदा इंपैक्ट पड़ेगा आप लोग समझ सकते हो, बट अगर आप लोग का 3 का केडी हुआ, आप लोग सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर में हुए तो आपका प्रोफाइल कितना बवाल दिखेगा आप लोग तो को खुद ही पता है। सो या गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, अगर आप लोग पूरा एंड तक नहीं देखोगे ना तो गाइस आप लोग समझ नहीं पाओगे, और बाद में मेरे को मत बोलना कि मैं सीएस रैंक में हार रहा हूं मैच, तो बाद में मत बोलना, इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और हां गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस क्या करो, फटाफट लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं भाई, कितना लाइक हम रखे, चलो गाइस 8K लाइक हम रखते हैं। 8K लाइक से गाइस इजी है भाई, आप लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो गाइस फटाफट लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस देखो अभी मेरे साथ एक ग्लिच हो रहा है, मतलब क्या ग्लिच हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, मतलब YouTube मेरा वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है ना वो गाइस आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। तो गाइस देखो अगर आप लोगों के पास मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो गाइस प्लीज आप लोग एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से ऑन कर देना। और हाँ गाइस देखो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि आप लोग अभी क्लैश स्क्वाड रैंक में कौन से रैंक में हो, आप लोग क्या हीरोइक में हो, ग्रैंड मास्टर में हो, डायमंड में हो, जो भी रैंक में आप लोग हो मेरे को फटाफट बता देना, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से रैंक में हो। तो गाइस चलो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है, ये बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मिस्टेक है जो कि गाइस आप लोग बैकग्राउंड क्लिप में देख ही पा रहे हो। देखो गाइस आप लोगों ना कभी भी एक साथ नहीं रहना, मतलब आपके चारों बंदे को कभी भी एक साथ नहीं रहना। आप लोग देखो क्या हो रहा है, हम लोग गाइस एकदम चारों बंदा एक ही जगह पे है, तो सामने वाला जो एनिमी है ना गाइस देखो बैकग्राउंड फिल्म में आप लोग देखो, मतलब सभी बंदा एक साथ मतलब घिर के आ गया है, मतलब चारों डायरेक्शन से आ गया है और हम लोगों का सैंडविच बना के मारेगा, मतलब दो बंदा सामने से आ रहा है, दो बंदा पीछे से आ रहा है, तो गाइस देखो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग ऐसे ही राउंड हार गए। तो गाइस आप लोगों को कभी भी चारों बंदे को एक साथ नहीं रहना है, चारों बंदे को थोड़ा थोड़ा अलग रहना है, ऐसा नहीं कि भाई एक बंदा एकदम मतलब एकदम जोन के बाहर हो जाओ, एक बंदा एकदम दूसरे साइड चले जाओ, ऐसा नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, पर हाँ भाई एकदम मतलब फेविकॉल जैसे एकदम चिपक के मत रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चारों बंदे, ताकि एक बंदे के ऊपर अगर रश आएगा तो बाकी जो तीन बंदे हैं ना वो थोड़ा सा मतलब राइट से कवर दे पाएंगे, लेफ्ट से कवर दे पाएंगे, सामने से कवर दे पाएंगे, तो ऐसे टाइप के गाइस ऐसा टाइप का आप लोगों को खेलना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है ना वो है गाइस देखो, अगर आप लोग अकेले कभी भी फंस जाते हो ना तो गाइस आप लोगों को बैक ऑफ करना है, फाइट नहीं लेना है, और गाइस एनिमी को मतलब आपके पीछे लाना है, और गाइस सही जगह पे सही मौका मिलते ही आपको उसके ऊपर फायर करना है। जैसे कि गाइस देखो इस क्लिप में देखो मैं इधर फंस गया था, और देखो मेरा टीम मतलब मेरा टीममेट जो है वो पहले जाके नॉक हो गया, देखो गाइस वो पहले गया मेरे साथ ही गया और जाके नॉक हो गया, बट गाइस देखो मैंने क्या किया, मैंने फाइट नहीं लिया, मैं पीछे आ रहा हूँ और देखो ग्लू वॉल लगा के मैं पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो स्नाइपर प्लेयर है वो पीछे खड़ा है और पीछे से मेरे को कवर देगा, और मतलब मैं अगर पीछे जाऊंगा तो वो मेरे को कवर देगा, ऊपर से मैं भी फाइट ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं पीछे आ गया। और गाइस देखो इस बंदे को मैंने UMP से हेडशॉट दे दिया, ये बंदा गाइस नॉक हो चुका है, अगर मैं उधर तब फाइट लेता तो मैं खुद ही नॉक हो सकता था। और गाइस देखो मैं पीछे आ रहा हूँ और जो सामने वाला जो एनिमी है ना वो गाइस देखो मेरे ऊपर रश करने आ रहा है, और गाइस वो मेरे ऊपर रश करने आया, ऊपर से गाइस देखो ओम का एक फटका दे दिया, मैं भी इसको मार दिया, ये भी गाइस डैमेज है, और देखो ऊपर से ओम भी चला रहे हैं, मतलब मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा कवर मिल रहा है। तो गाइस देखो आपको ऐसे ही खेलना है, जब भी गाइस आप लोग अकेले फंस जाओ तो गाइस आप लोगों को फाइट नहीं लेना है, आप लोगों को मतलब बैक ऑफ करना है, पीछे आना है और अपने मतलब ऐसे जगह पे आना है जाकि आपका टीममेट जो है वो आपको कवर दे पाए और आप लोग इजीली फाइट ले सकते हो। और गाइस देखो इधर से कैसे हम लोग ये राउंड कितना इजीली जीत गए यार, पहले ही मैं नॉक हो जाता था, मतलब नॉक हो सकता था अगर मैं तब फाइट लेता, बट तब मैं फाइट नहीं लिया, मैं बैक ऑफ आया और ये राउंड हम लोग ने कैसे इजीली जीता दिया गाइस देखो। इसके बाद गाइस देखो जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है आप लोगों को फर्स्ट राउंड के लिए क्या गन लेना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
देखो गाइस आप लोगों को क्या लेना है ना, M500 लेना है। M500 लेके क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो फर्स्ट राउंड में क्या होता है भाई, सब बंदे अलग अलग गन लेते हैं। कोई बंदा G18 लेता है, WSP लेता है, M500 लेता है, कोई कोई लेजेंड तो भाई क्ला यूज करते हैं, ग्रेनेड यूज करते हैं, भाई बहुत कुछ करते हैं। तो बस देखो सिंपली आप लोगों को M500 लेना है। M500 लेके गाइस आप लोगों को लॉन्ग रेंज पे बैठे रहना है। लॉन्ग रेंज से अगर आप लोग वन टैप दे पाओ तो अच्छा है, वरना यार स्कोप इन स्कोप आउट करके इजीली मार देना है यार। 45 का डैमेज आएगा तो इजीली आप लोग मार सकते हो, बट हाँ वन टैप का ही ट्राई करना, और ऐसा करके आप लोग फर्स्ट राउंड इजीली जीत सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो फोर्थ नंबर ट्रिक है ना, वो है आपके टीम में गाइस एक आप लोग AWM प्लेयर रखना ही रखना, एक बंदा गाइस ऑम प्लेयर रखना। क्योंकि गाइस देखो आपको तो पता ही है, जैसे गाइस देखो इसके मतलब सेकंड नंबर ट्रिक में मैंने बोला था यार, वो बंदा मेरे को ओम से मतलब मेरा जो टीममेट है वो मेरे को ओम से कितना ज़्यादा अच्छा कवर दे रहा था। क्योंकि गाइस ओम का एक शॉट अगर आप लोग लगाओगे तो 150 का डैमेज ऐसे ही आ जाएगा। तो गाइस आप लोग इजीली मैच जीत सकते हो यार, मतलब आप लोग एक ओम प्लेयर रखना ही रखना। और अगर आपके टीम में कोई भी ओम प्लेयर नहीं है तो गाइस आप लोग खुद ओम चलाओ यार। ओम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप लोग ओम मतलब AWM इजीली चला सकते हो। गाइस मैं ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, इस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद वो वाला वीडियो भी गाइस जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है, वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्या रखना है। तो गाइस देखो सबसे पहले आप लोगों को वुकोंग रखना है, फिर गाइस आप लोगों को हाय तो रखना है, फिर गाइस आप लोगों को एंड्रयू टेट रखना है। अरे एंड्रयू टेट नहीं, गेम वाला एंड्रयू, गेम का जो एंड्रयू है वो रखना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को राफेल कैरेक्टर लेना है। और देखो मैंने ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्यों बोला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले वुकोंग जो है वो गाइस आपका मतलब अगर आप लोग शॉटगन प्लेयर हो ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग एक बंदे को नॉक कर सकते हो, मतलब एक बंदे को नॉक करके वुकोंग हो सकते हो, फिर से गाइस वुकोंग का बुश लेके इजीली आप लोग फिर से और एक बंदे को नॉक करके बुश हो सकते हो, तो ऐसा करके आप लोग इजीली मार सकते हो। हाँ तो गाइस आपका शॉर्ट रेंज फाइट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद एंड्रयू टेट जो है वो गाइस आपका जो मतलब वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी है उसको गाइस ज़्यादा करेगा। और लास्ट में जो राफेल है वो गाइस अगर आप लोग किसी बंदे को वुड पिक कर या फिर ओम से नॉक करते हो तो भाई वो 2-3 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये कैटा कॉम्बिनेशन आप लोग को रखना है। इसके बाद गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है वो है गन कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है। भाई कैरेटा कॉम्बिनेशन तो बता दिया, तो गाइस गन के लिए देखो शॉर्ट रेंज में आप लोगों को M1014 लेना है। क्योंकि गाइस देखो अगर आप लोग वुकोंग रखोगे उसके साथ गाइस आप लोग M1014 लेवल 3 करके चलाओगे ना तो शॉर्ट रेंज फाइट में बहुत ही ज़्यादा ओपी चलेगा ये कॉम्बिनेशन। उसके साथ गाइस आप लोगों को लॉन्ग रेंज के लिए आप लोगों को क्या रखना है, वुड पिकर आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को वन टाइम मारना आता है तो, वरना वन टाइम मारना नहीं आता तो गाइस सिंपली आप लोग ग्रोजा ले लो, क्योंकि ग्रोजा में भी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज आ जाता है, ऊपर से गाइस हेडशॉट तो ईजी लगता ही है। तो ये गन कॉम्बिनेशन आप लोगों को लेना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेवन नंबर ट्रिक है वो है टीम कोऑर्डिनेशन को लेके। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके टीम में 3 रशर होना चाहिए, 3 बंदा जो है एकदम शॉर्ट रेंज में फाइट करेगा, एकदम घुस के मारेगा, तो 3 रशर होना चाहिए। उसके साथ गाइस एक ओम प्लेयर होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था एक ओम प्लेयर पीछे रहेगा, पीछे से गाइस मतलब जो रशर है उनको कवर देगा, 150 करके मारेगा, और जो 3 रशर होगा एकदम शॉर्ट रेंज में घुस के मारेंगे। तो ये मतलब कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओपी चलता है, मतलब हम लोग जो खेलते हैं मेरा जो स्क्वाड का जो कॉम्बिनेशन है टीम कोऑर्डिनेशन ऐसा ही रहता है, हम लोग 3 रशर रहते हैं तो 3 बंदे मैं भी रशर हूँ तो मैं एकदम शॉर्ट में घुसता हूँ, और एक जो मेरा बंदा है मेरा जो टीममेट है वो ऑन प्लेयर है तो पीछे से कवर देता है। तो ये टीम कोऑर्डिनेशन लेके हम लोग हर एक लिमिटेड कस्टम जीतते हैं, हर एक CS रैंक जीतते ही जीतते हैं, तो ये आप लोगों को यूज़ करना है ये टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब ध्यान रखना। इसके बाद गाइस देखो जो 8 नंबर ठीक है वो है गाइस आप लोग हाइट एडवांटेज का यूज़ ज़रूर से करना, अगर आप लोग को हाइट एडवांटेज लेना अच्छा लगता है। अच्छा तो भाई सभी को लगता है, मतलब अगर आप लोग ऊपर से अच्छा खासा मार सकते हो लॉन्ग रेंज अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो गाइस आप लोग जरूर से हाइट एडवांटेज लेना। इसके बाद गाइस देखो जो 9 नंबर ठीक है वो है आप लोग कम बैक कैसे करना है। फिर गाइस देखो बहुत टाइम क्या होता है, सामने वाला जो स्क्वाड है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आ जाता है और आप लोग यार बुरी तरह फेल जाते हो, मतलब सामने वाले स्क्वाड का जो स्कोर है वो 3 होता है, आपका 0 होता है। तो गाइस उधर से बहुत बंदे सोचते हैं भाई कम बैक नहीं होता है, आप लोग इजीली हार जाओगे, बट ऐसा नहीं है यार, कम बैक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली आप लोग कम बैक कर सकते हो। सिर्फ गाइस आप लोगों को क्या करना है, मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर मैं आप लोग इस वीडियो में बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं मतलब ऑलरेडी कम बैक के ऊपर एक OP सा वीडियो बना चुका हूँ गाइस, मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। और गाइस देखो जो लास्ट नंबर ठीक है वो है गाइस देखो, अब मुझे पता है आप लोग जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बोलता हूँ ना वो गाइस आप लोग देखते हो बट गेम में गाइस आप लोग अप्लाई करने के टाइम में भूल जाते हो, तो गाइस देखो ऐसा करने से नहीं चलेगा, आप लोग मैच हारोगे ही हारोगे। तो गाइस देखो जब भी आप लोग CS रैंक खेलने बैठ रहे हो ना उससे पहले गाइस आप लोग को मेरा ये जो वीडियो है ये गाइस पूरा एक बार फर्स्ट टू लास्ट तक पूरा एक बार एंड तक देख लेना है, जिससे गाइस आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स याद रहेगा और गेम के अंदर गाइस आप लोग अच्छी तरीके से खेल पाओगे। तो गाइस हाँ वीडियो को एक बार पूरा देख लेना जब भी आप लोग खेलने से पहले, मतलब रैंक पुशिंग के पहले आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोग बिलीव करो।
बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। और हाँ गाइस, देखो इस वीडियो को ना हमने हर एक दोस्त के साथ शेयर करना, ताकि आपका जो टीममेट है वो भी गाइस समझेगा बात को कि कैसे कैसे हमें खेलना है, ताकि हम लोग हर एक मैच जीतेंगे। तो आप लोग मतलब देखो आपका टीममेट अच्छा खेलेगा तो आप भी मतलब मैच जीतोगे ना, तो इसलिए जरूर से शेयर कर देना। और हाँ गाइस, वीडियो को जरूर से लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, 8K लाइक्स का जो एम है वो गाइस फटाफट कंप्लीट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। मेरे को गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, मुझे पता है यार, फॉलो कर लो, क्या करो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो यार। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो जाओ यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, कितना बार बोलूंगा यार। और गाइस अगर आप लोगों को वन टैप हेडशॉट का एक ओपी वाला ट्रिक देखना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस फ्री फायर बहुत ही जल्दी अनबैन होने वाला है, तो उस टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।